कैसे हैं आप सब? 15 अगस्त की ढेरों शुभकामनाएं। सबसे पहले थोड़ा लेट हो गया, लेकिन 15 अगस्त की सबको ढेरों शुभकामनाएं। अभी जिस जगह पे बैठे हैं बड़ा ही ऑकवर्ड लगेगा कि कहाँ बैठे हुए हैं। ये रेलवे का पिलर है, इधर रेलवे स्टेशन है पाटलिपुत्रा का, और ये हम है, और कुछ नहीं हो रही है, गपास नहीं हो रही। मतलब सिंपल सा है कि जब भी कभी मौका मिले और टाइम मिले ना, तो इस तरह से चिल कीजिए, रिलैक्स कीजिए। और देखो पसीने पसीने हालत ख़राब है, काफ़ी गर्मी है, लेकिन तब भी ना ये जो देखने का नज़रिया है ना, ये मतलब जैसे अभी रूम में होते, पढ़ाई कर रहे होते, पढ़ा रहे होते, या जो भी हम लोग अपना डेली रूटीन फॉलो कर रहे होते, किसी रेस्टोरेंट के अंदर बैठे होते, वो सब ना बड़ा ही नेचुरल टाइप नहीं लगता। लगता है कि बस ठीक है, कहीं ना कहीं फंसे हैं, काम कर रहे हैं उस पर। और इस तरह से रोड किनारे कुछ मिल गया, 10 मिनट बैठ गए, गप सप मार लिए, तब जो रिलैक्स होते हैं ना, जब हल्के होते हैं अंदर से, वो बहुत ही अच्छा लगता है। देखो पसीना भी निकल गया, थोड़ी सी चर्बी भी इसी बहाने कम हो जाएगी। और इसीलिए मैंने इसके पहले ही वीडियो बनाया था, तो आपको बोला था कि पढ़ने में अगर बोर हो जाते हैं या पढ़ने का मन नहीं करता है, तो जगह भी बदल सकते हैं। यहीं बैठ के थोड़ा सा करंट अफेयर्स पढ़ लो ना, इधर से गाड़ियाँ भी गुजरती रहेंगी, अलग अलग तरह के लोग जाते रहेंगे, उसको भी देख लेंगे, थोड़ा सा पढ़ भी लेंगे। तो ये सब वो तरीके हैं जिससे खुद को आप कूल रख सकते हैं, कूल रख सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो लाइफ में है ना, वो लाइफ ही है, ज़िंदगी ही सबसे इम्पॉर्टेंट है, बाकी सारी चीज़ सेकेंडरी है। और हमारी जो लाइफ है वो सबसे कीमती है, तो उसके अंदर अब ये भी सुनने को कुछ कुछ मिल सकता है, ठीक है, तो इसका भी एक अपना मज़ा है। तो जब रहें तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो भी आप सुन सकते हो, तो थोड़ा इससे भी खुश हो लें। तो इसीलिए जब भी कभी मौका मिले तो बाहर निकलिए, खुली जगह पे बैठिए, रिलैक्स कीजिए, दोस्तों से बात कीजिए, कुछ पढ़ लीजिए, और आधा एक घंटा बिताइए, फिर घर चले जाइए, और भी ज़्यादा एनर्जी फील करें। तो इसी तरह से हम लोग मिलते रहेंगे अलग अलग जगह पे, इसी तरह के खूबसूरत लोकेशन के साथ, जहाँ पे आप लोगों को मज़ा आएगा। ये मैं इसलिए वीडियो बनाता हूँ ना, कि मोटिवेशन क्या होता है। मोटिवेशन कुछ ऐसा नहीं है कि आप किसी पर्टिकुलर चीज़ों को देख के मोटिवेट होते हैं। मोटिवेशन उसको कहते हैं जब आप अलग अलग तरीके से लाइफ को देखते हैं, लाइफ को एंजॉय करते हैं। जब करने लगोगे ना, तो किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना मेरी ना किसी की। तो बस एंजॉय कीजिए इसी तरह से, जहाँ मौका मिले और जब भी मौका मिले।